आज हम सीखेंगे कैसे एक ब्लूटूथ को जो है हम इस गाड़ी से कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट है, लेकिन मैं दूसरा वाला फ़ोन जो है कनेक्ट करके दिखाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी इससे मैं शूट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कनेक्ट है, बैटरी भी दिखा रहा है फ़ोन की और सिग्नल भी दिखा रहा है। ब्लूटूथ इसका जो है कनेक्ट है, पर दूसरा फ़ोन जो है वो मैं कनेक्ट करके आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ किस तरह कनेक्ट करना है। बात कर लेते हैं इस वीडियो में, ऑक्स मैंने जो है थोड़ा सा म्यूट कर दिया है, इसका जो FM का साउंड आ रहा था। अब इसको हम कनेक्ट कैसे करेंगे किसी एक फ़ोन को जो कभी कनेक्ट नहीं हुआ है, पहली बार कनेक्ट करने वालों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऑलरेडी मेरा फ़ोन कनेक्ट था, आपने देखा जैसा कि, अब मैं ये वाले फ़ोन को कनेक्ट करूँगा इससे। ये आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो कैसे करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको नीचे जाना है, पेयर डिवाइस में जाना है, एड न्यू डिवाइस में जाना है। अब इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो मोबाइल का नाम है, जैसे इसका नाम वीवो है तो वीवो आना चाहिए, या तो इसमें सर्च कर लो या फ़ोन में सर्च कर लो। मेरे हिसाब से आप फ़ोन में कर लो, वहाँ आपको मारुति सुजुकी देखने को मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको, स्मार्टफोन ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपको स्मार्ट प्ले करना है तो, वरना आप मेरे हिसाब से जो है फ़ोन और म्यूज़िक यूज़ करने के लिए आप जो है मारुति सुजुकी का जो है ऐप भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो पेयर आप यहाँ से करेंगे, मारुति सुजुकी के नाम से ही जो है ब्लूटूथ इसमें डिस्कवरेबल होगा। हम ब्लूटूथ बंद करके चालू करेंगे, जस्ट अ सेकंड, ये पहले ईयरफोन को कनेक्ट करता है, ये आ रहा है जिस तरह आप देख रहे हो मारुति सुजुकी लिखा आ रहा है। अदर डिवाइस में इसको हम ऐसे करेंगे और ये जो है कुछ इस तरह से आपको जो है मारुति सुजुकी का जो है देख, इस कुछ इस तरह से आपको मारुति सुजुकी अवेलेबल होगा, आपको वहाँ क्लिक करना है। पेयरिंग का बोलेगा, ये पेयरिंग की ये आपको यहाँ देखना है मानशु जो फ़ोन आ रहा है, यस करना है और ये फ़ोन जो है वेरीफाई करने के बाद आपका फ़ोन जो है ऑलरेडी कनेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो ये कनेक्ट हो चुका है, आपको पता कैसे पड़ेगा ये कनेक्ट है, आपको कुछ नहीं, ब्लूटूथ में आपको यहाँ मारुति सुजुकी दिख रहा है और वैसे भी आपको यहाँ भी मारुति सुजुकी जो है देखने को मिल रहा है, ये दिख गया। यहाँ आपको कुछ कॉल्स वगैरह देखने को मिलेंगे, बैक करना चाहेंगे हम, कनेक्ट हो गया ये वाला फ़ोन, कनेक्ट हो गया, न्यू फ़ोन है कनेक्ट हो गया। साउंड वगैरह किस चीज़ के लिए कैसे क्या देखना है उसका मैं आपको जो है और डिटेल में कभी बताऊंगा। देखो म्यूज़िक है फ़ोन का, अगर आपको हटाना है तो हटा भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हटाना नहीं है। अगर हटाना चाहो फ़ोन का एक्सेस नहीं रखना है इस फ़ोन आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में, तो आप इसको हटा भी सकते हो। बाकी सारा चीज़ें बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया में आप जा सकते हो, कनेक्ट मीडिया फ़ोन, फ़ोन से आप इधर फ़ोन वगैरह भी जो है वो लगा सकते हो। थोड़ा सा सिस्टम जो है वो इसका स्लो है, मैसेजेस दे, कॉल, कॉन्टैक्ट्स, और जो है टच पैड से आप कॉल लगा भी सकते हो इसमें, नो इशू। अब हम कुछ एक आपको साउंड जो है वो सुनाना मैं इससे चाहूँगा, कैसे सुनाना, एक NCS का म्यूज़िक इसमें लगाएंगे। ये आपका जो हो गया साउंड सिलेक्ट हो गया, तो आपको क्या करना है इसमें सोर्स चुनना है, ठीक है। सोर्स आप ये चुनोगे, आपको ये जो साउंड चल रहा है ये देख सकते, इसकी साउंड क्वालिटी जो है मैं आपको चेक करा देता हूँ। बाद में थोड़ा और सुना देंगे आपको साउंड। तो ये सारा हिसाब किताब है आपका, जो आप देख सकते हो ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया, साउंड सुन सकते हो। ये कनेक्ट करने के लिए आपको स्मार्टफोन वाला जो ऐप है इनका मारुति का वो डाउनलोड करके उससे कनेक्ट करना है, उसको आप USB से यहाँ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, आपको ये FM हो जाएगा, ये आपका कॉन्टैक्ट हो गया, ये फ़ोन आप देख सकते हो, ये सारे फ़ोन जो है वो आने लगे हैं इसमें, तो आप फ़ोन वगैरह जो है यहीं से लगा सकते हो।
इजीली किसी को भी कॉल लगाना है आप यहाँ से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। जैसे मैं आइस को लगाना चाहूँ, फोन भी पूछता है कि आपको किस पे करना है, कर सकते हो आप, यहाँ से बचता है और इसको अपन यहाँ से काट भी सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। ब्लूटूथ से फ़ोन कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको बता दिया। साउंड क्वालिटी फिर दोबारा से चेक करा देता हूँ, शोर सम ये आपको यहाँ से फ़ोन बजता है और फिर से आपको जो साउंड सुनना है साउंड सुन सकते तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। म्यूट कर दिया मैंने अभी फिलहाल। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।